शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सच तो ये है कि ये हमसे अब तक झूठ बोलती आ रही थी। कैंसर जैसी बीमारी इन्हें है ही नहीं। श्रद्धा, क्यों मेरी माँ के पीछे पड़ी हो तुम? यही सच है अभय, इन्हें कैंसर जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। बस करिए श्रद्धा जी, इस बार हम माजे के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। तुमसे किसी ने पूछा? और वैसे भी हमारे परिवार के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? अरे बंद करो ये नाटक। पहले जहर देने का इल्जाम, अब ये क्यों कर रही हो ये सब श्रद्धा? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो अभय? क्यों अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है? तुम्हें इस औरत का नाटक नजर नहीं आता? बस बुआ जी, अपनी माँ के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। अभय, माँ जी झूठ बोल रही है। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है, मगर सबूत को तो नहीं नकारेंगे ना आप? डॉक्टर आ जाइए प्लीज। डॉक्टर, आप तो पहले से माजी का इलाज कर रही हैं, तो बताइए ना हमें, क्या इन्हें कैंसर है? सच बताइए हमें। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देवयानी जी को कैंसर या किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। दरअसल देवयानी जी ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। इतना बड़ा झूठ, लेकिन क्यों, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नहीं बेटा, वो मैं, छुए मत मुझे। इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। आपकी तरफ देख भी नहीं सकता मैं बेटा। चलो श्रद्धा, बेटा श्रद्धा कि देवयानी जी को कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे ये नाटक करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हारी एक सांस की खुशी के लिए अपनी मरीज की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकती, समझे? तो अभय, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अभय, माँ जी को कोई बीमारी है ही नहीं। बस करो श्रद्धा, बार बार झूठ बोल के थकती नहीं हो तुम? कैसे समझाऊं मैं आपको अभय? अब जो कुछ भी देख रहे हैं ना, वो जबरदस्ती जानबूझ के आपको दिखाया जा रहा है। माँ जी, गौरी और ये डॉक्टर, ये तीनों मिले हुए। अबे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी डॉक्टर कोई बीमारी बदल नहीं सकता। माँ, माँ जी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों ये नाटक करके अबे को बार बार तकलीफ पहुंचा रही हैं आप? श्रद्धा जी, आप माँ जी की हालत देखिए, कहीं आपके ऐसे गुस्सा करने से इन्हें कुछ हो ना जाए। अरे पत्थर दिल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ये पहले से ही झूठी है। अरे बंद करिए तमाशा, मेरी माँ के खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। और तुम, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए,
हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मम्मी और बुआ जी को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मगर अभय, अभय नहीं, अब और कुछ नहीं, मैं अपनी माँ का ख्याल अकेला रख सकता हूँ। आप तीनों चाहिए यहाँ से। जी आप भी चलिए, चलते हैं यहां से अपने घर। चलिए क्या कि आप सब लोग वापस आ गए। आप सबके बिना ना ये घर बहुत सुना सुना लग रहा था। अभय भैया नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? भाभी, अभय भैया नहीं आए आपके साथ? नहीं अर्थ, वो नहीं है। अरे रे रे, छे बात, वही तो हम सोचे रहे कि घर में बाहर कैसे ना आ गई। अब पता चला हमारी साली जी जो पधारी है, है? हमारी आधी घरवाली का खुद ही का घर आधा अधूरा हुई गवा का है? अरे ससुराल बचाने का चक्कर में अपना सुहाग कौन छोड़े रहा? तुमसे किसी ने विशेष टिप्पणी मांगी है? ये देखिए, एक तो आप साली जी का घर तोड़ा है, ऊपर से हम पे ही भड़क रही है, है? कौनो बात का दुख साड़ू साहब ना सही, ये चलवेदार जीजा जी तो है। बात। अपनी हद मत भूलो गुलाल। दोबारा मेरे इतने करीब आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये हमारा घर है, तुम्हारे तीन तप्पर का झोपड़ा नहीं, जो जब चाहा मुंह उठा के यहां तुम चले आए। निकलो यहां से। श्रद्धा बेटा, पति का घर ही पत्नी की दुनिया होती है, उसकी जिंदगी होती है, लेकिन उसे घर वापस लाने की जिद में अपनी दुनिया काहे छोड़ रही हो तुम? हाँ श्रद्धा, दोनों सास के बीच में फंसकर तुम अपना घर खराब क्यों कर रही हो? अभय को जब समझ आ जाएगा तो घर लौट आएगा। नहीं बुआ जी, अब मैं और गलत होते हुए नहीं देख सकती। अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। और कौन सा पहली बार हमारे बीच में झगड़ा हुआ है? हमारे रिश्ते की नींव इतनी भी कमजोर नहीं है जो ये झूठ और फरेब उसे हिला दे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।